हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से आखिर वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। पता है, मैं आपको इसके पीछे की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा, जो लोग भी पौधों से प्यार करते हैं ना, उन्हें ये पता है कि अगर पौधों के साथ कोई प्रॉब्लम आती है या किसी वजह से उनको नुकसान पहुँचता है ना, तो इंसान का दिल पूरी तरह से ना टूट जाता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा मकान चेंज हुआ और उसके बाद जहाँ मैं गई, उस लैंडलॉर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पौधे रखें। कितने सारे पौधे मैंने सबको दे दिए और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट करी। फाइनली हम वहाँ से छोड़कर अब एक नई जगह पर आए हैं और यहाँ पे बालकनी तो बहुत छोटी सी है। मैंने कुछ पौधे ही बालकनी में रखे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने छत के ऊपर यहाँ पर टेरेस पर काफ़ी अपने पौधे लगाए और यहाँ के लैंडलॉर्ड को पौधों से कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा आप जैसे चाहो कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे पौधे थे। मैंने पहले की वीडियोस में आप सबको दिखा रखा था, पर जब वहाँ मेरे पौधों की हालत ख़राब होने लगी तो मैंने ज़्यादातर पौधे किसी ना किसी को दे दिए और मेरे पास बस कुछ थोड़े बहुत पौधे रह गए जो लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। और आगे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ जो रहते थे उन्हीं का है, पर ये मैं कुछ नए पौधे हैं जो लाकर लगाई हूँ। एक ये है, एक ये रोज़ का है और ये कुछ नए पौधे। जैसे ना मुझे ना एक नई सी खुशी सी मिल रही है इन पौधों के साथ। और वहाँ पर जैसे मेरा दिल बिल्कुल टूट सा गया था, मतलब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं सुबह शाम लगभग अपने पौधों के साथ गुजारना मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ये छोटा पौधा देख रहे होंगे, आप लोगों से इसकी कटिंग शेयर करी थी, ये उतना बड़ा ही रह गया क्योंकि उन लोगों ने धूप से हटाकर इसको छाए में कर दिया और इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई। पर यहाँ पे नई ग्रोथ शुरू हो गई। ये मेरा करी लीफ का पौधा, सारा खाद पानी मिलने के बाद भी इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। इन 10 महीनों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई, वैसे ही पड़े हैं। ये भी देखिए मेरे कुछ नए पौधे हैं, मिर्ची का है। ये सब कुछ मैं अभी यहाँ जल्दी में लेकर आई हूँ और ये एक नया पॉट लिया है। ये एरिका पाम का पौधा है जो यहीं आकर लिया है और इसकी रिपोर्टिंग मैंने आप लोग को दिखाई थी। इसमें इस 10 महीनों में मुझे एक भी फ्लावर नहीं मिला, क्योंकि मेरे इन पौधों को धूप ही नहीं मिल पाती थी और अगर पौधों को धूप ना मिले तो फ्लावरिंग कर ही नहीं सकते। ये हरा भरा तो है पर फ्लावर नहीं दिया इसने। और ये यहाँ आकर मैंने अपने ग्रोइंग बैग में ये 2 टमाटर के पौधे लगाए हैं। अब देखना है कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी हुई तो मैं आप लोगों के साथ जरूर से